संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से, प्रताप से हम सब लोगों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप सुनने को मिला, समझने को मिला, लेकिन उसको गहराई से हम कितने मुमुक्षु भाई समझते हैं। गैर मुमुक्षु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो विरोध करते हैं उनकी क्या बात करना। मैं और सब मुमुक्षु ही अधिकांश यहाँ उपस्थित हैं, और भी जो लोग यहाँ आए हैं तो उनकी कषायों में थोड़ी मंदता है, और वो ये समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का जो यहाँ प्रतिपादन होता है उसमें भी कुछ सार है, कम से कम सुन तो लें। ऐसे भद्र प्रकृति के लोग पधारे हैं, उन सब के लक्ष्य से मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। सीधी सच्ची सहज बात है कि हमारे चंद्रप्रभु भगवान की पूजन है, वृंदावन कवि की लिखी है पुरानी, जो अपन करते रहे हैं। अभी जो नई पूजने लिखी हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा है कि भामंडल की दुति जग मगात, भवि देखत निज भव सात सात। के भगवान आपके प्रभामंडल की, भामंडल की ऐसी दुति है, कांति है कि भव्य जीव जो उसमें जाते हैं तो उन्हें अपने सात भव दिखाई देते हैं। पूजा में लिखी है बात, और किसी को ऐतराज नहीं है कि पूजन में लिखी तो हम नहीं मानेंगे। शास्त्र की बात है, जिनवाणी की बात है, एक बात प्रसिद्ध है। अब आप जरा विचार करो कि हमें आयु कर्म का जो बंध होता है वो त्रिभाग में होता है। ये तो आपने सुना है सब। त्रिभाग क्या चीज़ है कि यदि हमारी उम्र 81 बरस की है तो दो तिहाई भाग माने 54 बरस, 27 + 81 होता ना, तो 27 × 54, 54 बरस तक कर्म का बंध नहीं होगा। और फिर यदि नहीं हुआ तो उसके बाद जो आयु बची मान लो 27 वर्ष, उसके दो भाग और निकाल दो तो जो वो पॉइंट आएगा उस वक्त होगा। ऐसे 7 बार निकालो, उन पॉइंट पे ही होगा। अब जो यहाँ ऐसे लोग हैं आजकल 81 वर्ष के तो बहुत लोग होने लग गए हैं। मैं ही तुम्हारे सामने 88 वर्ष का नमूना बैठा हूँ। तो इतने मान लो 54 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, समझ लो कि अभी तक उनने आयु कर्म का बंधन नहीं किया है मोटा मोटा। अब हम पूरे होश में हैं, जब उम्र कम थी तो हम उतनी समझते नहीं थे और जवानी के जोश में रहते थे, होश में नहीं थे। अब होश में भी हैं तो हम आपको अपने परिणामों को संभाल कर हमें अच्छे से अच्छी आयु का बंध करना चाहिए ना। और ऐसा उपदेश हम सभी पंडित आप लोगों को देते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको 3 भव भामंडल में दिख गए, 3 भव कैसे दिखे होंगे कि यहाँ से मर के हम मान लो स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से जा कर के राजा के बेटे होंगे, वहाँ से मर के फिर
स्वर्ग में जाएंगे, फिर राजा के जो भी ऐसे कुछ होंगे ना, तो वो सब बात नक्की है। अभी आयु तो एक भी भव की नहीं बंधी है, और बंधेगी तो एक भव की बंधेगी, तीन भव की तो बंधने वाली नहीं है। तो उसके पहले उनने देख ली तो वो नक्की थी कि नहीं है ना, एक बार कि वो नक्की थी। अब हम उसमें कहते परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो, त्रिभाग के पहले हम परिणाम सुधार सकते हैं। एक दफे गंभीरता से ये बात विचार करो। देखो कल मैंने बोला था और सब लोगों ने मेरे से कहा बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अंदर से संतोष नहीं था, इसलिए मैंने कई लोगों से, अपने नज़दीक के लोगों से जानने की कोशिश की कि तुम निष्पक्ष हो के बताओ, मेरे पक्षपात से मत बोलो। लेकिन आज जैसी शांति है और जैसी पात्रता जनता में आज मुझे दिखाई देती है, तो मैं जमकर समझाना चाहता हूँ। तो जब तीन भव के बंधी नहीं हैं, तो कहते हम जैसे भाव करेंगे वैसे बनेंगे ना, कि जैसे तुम्हें भामंडल में दिखे हैं वैसे बनेंगे। भामंडल में दिख गया कि हम अगले भव में यहाँ जाएंगे, अभी आयु कर्म बंधा नहीं है, तो अब आयु कर्म को बंधना बाध्य है कि जहाँ हमारा वो दिखाई दिया नक्की वहाँ बंधे, ऐसे कर्म बने कैसा भी, तो ऐसे भाव होंगे तो बनेंगे, तो भावों को भी नक्की होना होगा कि भाव भी ऐसे हों। तो तुम अपने मन के कहाँ कर सकते हो। मैंने अपनी इन पंक्तियों में लिखा है, बोल भाई जल्दी, हेलो हेलो हेलो। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे, उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का बार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। सहज भाव से होना है, क्यों नहीं बताते हो कि कौन सा पेज है, कौन सा छंद है, क्या है? सब लोग 25 नंबर छंद है, 25 नंबर छंद सप्तक में पेज नंबर 118, 25 नंबर छंद अपनी किताब में निकाल लो, अब पढ़ो दोबारा। समाधि के सार में 7 नंबर पेज है और 25 नंबर का छंद है। अरे जहां भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे, उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। बोलो आप, उन भावों को जहाँ जहाँ आपको जाना है वे ही होंगे ना, वे तो नक्की हैं पहले से, जैसे वो भव नक्की है ना, हम कहाँ जाएंगे फिर मर के कहाँ जाएंगे, तीन न हुए, ऐसे ही उनके अनुसार कर्म बंधेंगे वे भी नक्की हैं, और कर्म वैसे बंधने हैं उनके अनुसार भाव बनेंगे ये भी नक्की है, और उन भावों में फेरफार नहीं होगा, तो हम क्या सुधार लें। तुम काय का उपदेश दे रहे हमें कि परिणाम सुधार लो, परिणाम सुधार लो, परिणाम सोचो गंभीरता से। ऐसे भागने का काम नहीं है। एक भजन आता है, पहले बहुत उससे बोला जाता था,
लेकिन मैं उसका जो अर्थ करता था कुछ अलग ही था। परिणाम की संभाल में ताते गाफिल मत हो प्राणी, पर पढ़ते थे ना, वो कहते परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, संभालो। सब लोग परिणामों को संभालने का उपदेश देते थे और हम भी मानते हैं कि परिणामों को हमें संभालना चाहिए, खोटे भाव नहीं होना चाहिए, मानते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप संभालो का उपदेश तो दे रहे हो, लेकिन हम संभाल सकते हैं कि नहीं, ये तो बताओ। यदि हम संभाल ही नहीं सकते हैं, सब नक्की है, किसी में फेरफार होगा ही नहीं, तो हमारे माथे पे ये बोझा क्यों डालते हो? शांति से हमें रहने क्यों नहीं देते हो? समाधि तो शांति का नाम है, वो परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, ये तो एक बोझे का काम है। कभी किसी ने ये फीलिंग किया, ये सोचा कभी कि इसको भार कहा और इसमें ये लिखा कि ये अपने माथे का भार जब तक नहीं उतारोगे, निर्भार नहीं होगे, तो भव से पार नहीं होगे, निकलो। ये मैंने सब लिख दिया इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी में तो कोरोना, मैं बीमार था, कोरोना तो नहीं हुआ था, वो बीमारी में मैंने सारी जिंदगी में जो मर्म समझा है वो सब लिख दिया है। बोलो 16 नंबर छंद। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा और सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भार नहीं होगा। यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधि में जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। वो शुद्धोपयोग निधि है, शुद्ध परिणति पर उत्कृष्ट विधि है, और अंदर में जो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि की उत्पत्ति हुई है छठवें गुणस्थान में मुनिराजों को, वो इसकी निधि है। मैंने शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, इसका नाम समाधि है। शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति तो करें कि करें क्या, वो तो होता है। तुम तो सहज भाव से उसे जानो, ख्याल में आया ना। देखो इक्कीसवां छंद पढ़ना। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर यही भावना भाऊंगा। देखो अगले भव की चुनने की बात नहीं है, जब नक्की है तो क्या चुनना। ये सच्ची घटना है कि करीब 2-4 साल पुरानी बात होगी कि मैं बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सब लोगों से आने को मिलने को बंद कर दिया था, कोई नहीं मिल सकता है,
सारे देश को पता हो गया था, सिर्फ मुझे नहीं बताया गया था। कोई आ नहीं सकता था, मैं अकेला अस्पताल में पड़ा था। एक मेरे मित्र थे, दबंग टाइप के होते हैं ना, वे कोई कहीं की परवाह नहीं करते हैं, तो वो जाकर धक्का देते हुए चौकीदार को और मेरे पास आ गए। वो कहता ही रहा, नहीं नहीं भाई साहब आप, वो बैठ गए, यहाँ वहाँ की स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत बातें करी, फिर बोले आप कहाँ जाएंगे। सच्ची घटना है, मैं बीमारी की हालत में था, तो मैंने कहा ये डॉक्टर लोग छुट्टी देंगे तब घर जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा। बोले नहीं वो तो ठीक है, घर तो जाओगे ही, लेकिन यदि घर जाने का चांस नहीं मिला हैं, तो अगले भव में कहाँ जाओगे। मैंने कहा भाई अगले भव की बात, अगले भव चुनने की बात नहीं है, क्योंकि वो तो सब नक्की हैं और केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक गए हैं, है ना। अगले भव चुनने की तो कोई बात है नहीं, और तुम ये कह रहे हो तो क्या कहाँ गया अगले पढ़ना है जरा। हाँ अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। तो आर्त ध्यान तो निदान है, वो आर्त ध्यान करना नहीं चाहिए। उनने मेरे से ये कहा कि ठीक है तुम मत चुनो, लेकिन कोई भगवान तुम्हारे पास आए और वो तुमसे कहे कि बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम क्या बताओगे। उनका एक प्रश्न, मैंने कहा मैं ऐसे किसी भगवान को नहीं मानता जो एक एक आदमी से ज्यादा कर पूछता फिरे कि तुझे कहाँ जाना। बोले वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम जाना तो चाहते ही होगे। मैंने कह दिया ना कि किरंबर पर्याय में केवल जी भगवान ने जहाँ देखा होगा वहाँ आराम से शांति से चले जाएंगे। वो बोले कि बड़े बड़े विद्वान तो कहते हैं कि हम तो पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे। मैंने कहा कहते होंगे, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाना चाहता। क्या कहा, गुरुदेव के साथ मोक्ष नहीं जाना चाहते। यहाँ नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत बड़े महापुरुष थे, निरंतर उनके परिणाम बहुत निर्मल रहते थे, तो वे तो इस पंचम काल में ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में जहाँ तक जाते होंगे वहाँ गए होंगे और वहाँ सागरों पर्यंत रहेंगे, है ना, बहुत लंबी आयु। सागर का अर्थ समझते हो, कोई करुणा नियोग वाले से पूछ लेना, मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। बहुत लंबा काल होता है, तो ये सागरों कालपंत इतने काल संसार में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो जल्दी जाऊंगा। ये मोक्ष का मार्ग साथ का मार्ग नहीं है, अकेले का मार्ग है। मैंने तो बहुत पहले लिखा था, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओ। ये तो अकेले का चलने का मार्ग है, किसी के साथ का मार्ग नहीं है, है ना।
छः महीना और आठ समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं, अब उसमें हिसाब के नहीं बैठा तुम्हारा, तो फिर क्या करोगे? पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारा अनंत उपकार किया है, उनने हमें मार्ग बता दिया है, अब तुम क्यों उनके पीछे लगते हो? उसको समझो और अपने जीवन में अपनाओ और उसका लाभ लो। चल में ना आपके, ये साथ का मार्ग नहीं है, ये तो अकेले चलने का मार्ग है। बोलो भाई 22वां छंद। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। मुझे लंबे जीवन की इच्छा नहीं है, वो 100 वर्ष का जियो, 100 वर्ष के बाद ये होगी, ये करना है, इतना जीना है, इतना जीना है। लंबे जीवन और जल्दी मर जाऊं ये भी इच्छा नहीं है, और बहुत काल तक जीऊं ऐसी भी इच्छा नहीं है। लंबे जीवन और क्या, जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, तो क्या है कि सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। जब तक जी रहे तो आनंद से जी रहे, कोई बात नहीं है, और मौत आ गई तो तैयार है। क्या क्या लिखा है? सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना सब स्वीकृत, मरने को भी तैयार और जीने को भी तैयार, जो कुछ जैसा होना है वो सब सहज भाव से मुझे स्वीकार है। देखो भाई, एक नई बात बताता हूँ, तुम पंडित लोग भी सुन लेना। मरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। समाधि मरण का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदा रह सकते हो तो फिर भोजन त्याग करके, जहर खा के, कुछ भी करके वो मर जाओ, वो आत्महत्या है, वो समाधि मरण नहीं है। मरने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतने दिन के उपवास कर लेंगे, ये कर लेंगे, हम मरने से डरते नहीं हैं। आचार्य कहते डरो मत, लेकिन मरने की कोशिश करी तो बेटा आत्महत्या का दोष लगे, ये बहुत नई बात है। लेकिन जीने के लिए तुम्हें प्रयत्न करने की जरूरत है। इन दोनों में ये अंतर है, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? जीने के लिए यदि तुम दो रोटी खा के जी सकते हो तो तुम्हें दो रोटी खानी पड़ेंगी शुद्ध सात्व, लेकिन किसी चीज से मरने की बात है तो मरने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है। और जीवन में अपनी भूमिका के अनुसार शुद्ध सात्विक प्रयत्न आवश्यक हैं। भाषा तो दोनों की एक सी है, समझे ना, कि हम मरने को भी तैयार हैं और जीने को भी तैयार हैं। जीने को संलेखना में, समाधि मरण में भी तुमको उपयुक्त आचरण करना पड़ेगा। यदि तुम शुद्ध सात्विक भोजन से और 10-5 दिन ज़्यादा जी सकते हो तो तुमको उसको छोड़ देना, और फिर वो समाधि मरण नहीं है, वो आत्महत्या का दोष है। मैं जानता हूँ बहुत झगड़ा पड़ रहा है, मुझे क्या डर है, मैं तो किनारे ही पे हूँ। और दूसरी बात ये है
कि मुझे पक्का भरोसा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है इनमें से निकलता कि नहीं निकलता है? सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है सुकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकार, बिल्कुल सहज भाव से। वो आते हैं पांच अतिचार आते हैं सल देखना के समाधि, मैं इसलिए कहता हूँ ये समाधि मरण की बात नहीं है। देखो 18वां छंद पढ़ो, इतनी देर क्यों लगती है? हेलो हेलो। सहज समाधि मय यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। लोग क्या कहते हैं, हमने यदि समाधि मरण ले लिया तो फिर तो मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। जीवन भर समाधिमय जीवन रह सकता है, समाधि मरण तो मिनटों की बात है, तो है ना, क्या मिनटों की बात है, कोई निकालना। हाँ, समाधिमय जीवन जीवन भर रह सकता है, 10 साल 20 साल 50 साल, समझ गए ना। लेकिन मरण तो एक समय में ही हो जाएगा ना। हाँ, अरे देह का परिवर्तन हो सहज भाव से एक पल में, उसे समाधि मरण कहते हैं जीवन के अंतिम क्षण में। ये तो अंतिम क्षण में उसको कहते हैं, लेकिन ये लिखा ना कि समाधि जीवन भर रह सकता है। कौन सी प्रति 18वां छंद पढ़ा था ना, सहज समाधि मय यह जीवन जीवन भर रह सकता है। मैं कहता हूँ ना आप लोगों से कि भाई मैं तो समाधि में हूँ, तो समाधि में तो आप 2 वर्ष से हो, और भी 10-5 वर्ष रह जाऊँ तो क्या तुम्हें दिक्कत। हम तो ये समझते थे कि एक दफे समाधि गली तो अब गए काम से, क्या ऐसा नहीं है। समाधि का असली स्वरूप क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। सहज समाधि मय यह जीवन, ये जो मैंने कही तो तुम्हारी किताब है, हमारी किताब नहीं है। सब शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके सार निकाल कर उसमें के अनुसार एक पंक्ति भी जो शास्त्रों में नहीं हो वो नहीं लिखी मैंने। आप कहेंगे 8 वर्ष की उम्र में मेरे पिताजी ने हमें धर्म पढ़ने भेज दिया था, क्यों? मेरे पिताजी मुझे सुनाते थे कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उस जमाने में शादी बहुत मुश्किल से होती थी गरीब लोगों की, तो मैंने एक पंडित को भाषण देते हुए शेरौंजी क्षेत्र में ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं तो पंडित नहीं बन पाया, लेकिन यदि मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें ऐसा पंडित बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करी थी मेरे पिताजी ने, और मेरे को ऐसा प्रवचन करते देख देख कर बहुत खुश होती थी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्यों? मुकेश का सपना पूरा हो गया है? लोग मेरे से भी कहते हैं आपका सपना पूरा हो गया, क्यों अच्छा काम हो गया ना, सब बोलते। अरे भाई तो क्या है,
कि वो जो क्या कह रहा था मैं, जीवन भर रह सकता है, उन ये भावना नीचे लिखा है इसमें, पर पूरा छंद पढ़ो। सहज समाधि, सहज समाधि मय यह जीवन, जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। यदि समाधि में जीवन भर रह सकती है तो समाधि मरण को भी जीवन भर रहना चाहिए। तो कहते हैं सहज समाधि मरण, जब भी मेरा मरण हो वो समाधि पूर्वक हो, ऐसी भावना जीवन भर रह सकती है। पढ़ो अंतिम पंक्ति। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। समझे ना, अब समाधि में चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, डर नहीं होता, आकुलता नहीं होती, बहुत शांत सुखी जीवन का नाम समाधि है, दुख का नाम समाधि नहीं है। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु में उत्सव वाली, उसका नाम समाधि नहीं है। पढ़ो 19वां छंद। अरे रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की, अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की, दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आकुलता की, भय चिंता की अर विकल्प की शंका की आशंका की। इसका नाम समाधि है। कोई भय नहीं, चिंता नहीं, आकुलता नहीं, आनंद 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 आनंद, ये समाधि का स्वरूप है। आगे एक छंद और पढ़ो। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं, सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, बे यों ही जाने वाले हैं। मैं जानता हूँ आनंद, मुझे शांति है, किसी की चिंता ही नहीं है, ये चला जाएगा ये चला जाएगा। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमारे पास एक पेन था जो हमने 5 रुपए में खरीदा था, फिर वो खो जाता है। मेरे से बहुत पेन खोते हैं, पर जहाँ लिखता हूँ वहीं छोड़ देता हूँ, बस कोई ले जाता है, चोरी करता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही छोड़ देता हूँ। अब एक पेन खो जाता है तो कितना दुख होता है, 500 रुपये का हो तो 500 रुपये का दुख होता है, और 5 रुपये का हो तो 5 रुपये का दुख होता है। अब 5 रुपये का दुख कितना होता है, कि जितना भी दुख होता है, मान लो वो दुख 1 किलो हुआ, वैसे किलो में दुख होता नहीं है, घबराना मत, लेकिन अपन को समझना है ना। तो 1 किलो दुख हुआ और मौत काहे का नाम है, सारे जो संयोग हैं हमारे पास, रुपया पैसा धन हीरा सोना चांदी स्त्री पुत्र सब, ये सारे संयोगों का एक साथ वियोग होना, उसका नाम मरण है ना। 29वां छंद। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुड़ते रहते मन ही मन में,
सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। इस अज्ञानमयी दुनिया में उसे मरण कहते हैं। तो जब हम मरेंगे तो उसके पहले हमें कितना दुख होता है, मरने की बात आती है तो जैसे एक पेन खोया था तो एक किलो दुख हुआ था ना, अब कितने किलो होगा? तुम्हारी सारी संपत्ति से मिला के वो पाँच पाँच रुपए के कितने प्लेन खरीदे, पेन खरीदे, या पूरा कारखाना खरीद लेते, क्यों? तो अब क्या क्या उपाय है हमारे पास कि मरण का दुख हमें नहीं हो? क्या उपाय है हमारे पास परमात्मा? ये उपाय है कि जब वो हमारा पेन खोया था और जितना हमें दुख हुआ था, हम उस दुख को तत्व ज्ञान के बल पर कम करें। तो जितना उतना कम करेंगे उसी अनुपात में मरण दुख कम हो जाएगा, मरण का भय कम हो जाएगा, समझ गए ना? यदि हमने आधा कर लिया, वो पेन को जो पाँच रुपए गया ना, तो ढाई रुपए का गए कि पाँच में नहीं ढाई रुपए में आया था, अच्छा ढाई रुपए तो दुख तो आधा हो जाता है ना। ये सारा जीवन के सब संयोगों का वियोग होगा तो उसका दुख हम कब पहले से ही मान लें ये हमारे हैं ही नहीं, ये तो इतने ही दिनों के लिए थे, इनका हमारे साथ रहना संभव ही नहीं है, हम पहले से ही नक्की कर समझ लें तो फिर काय का मरण कब है? ये सारे संयोग तो जाने ही वाले हैं ना। असलियत में स्थिति क्या है? चंद्रमा छंद पढ़ो, कुछ घर पे भी पढ़ के आना, किताब तो सबको दे दी है, ले जाना, पैसा मत देना, ले जाना, आराम शांति से पढ़ना, घबराओ मत कि सब संस्था की हम क्यों ले जाएंगे, अरे हम तो किसी एक सेठिया को पकड़ के उससे ले लेंगे तुम्हारे पैसा, सब वसूल कर लेंगे कि तेरी तरफ से हजार किताबें बांट दी। अब तुम दो रुपये के पीछे और फिर नहीं ले जाओगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। घर पर भी शांति से पढ़ना, कौन सा छंद पढ़ना है? पंचमा समय हो। पांच नंबर छंद, फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है, अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है, आकुलता ही परम दुख, यदि हमें निराकुल रहना है, करने धरने का भाव तजो श्री जिनवर का यह कहना है। मैंने पंद्रहवा छंद कहा था, उसने पांच में पढ़ा, तो अपनी विद्य लगा ना अकल, इसमें भी अकल आ गई है, मेरे पास रहता है ना। कितना अच्छा मार्मिक छंद है, फेर फार ये पढ़ा ना पांचवा छंद, फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है, और हमें आकुलता नहीं करनी है ना, फेर फार करने की बुद्धि नहीं करना है, बदलना नहीं। असली क्रमबद्ध पर्याय क्या है जानते हो? एक शब्द में, एक लाइन में बता देता हूं, वो याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। ढूंगो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढूंगो ससुराल जाओगी कि हाँ जाएंगे, बस समझ लो क्रमबद्ध पर्याय। क्या नहीं आया समझ में? बेचारी की भोली भाली कल लड़की थी, और उससे जो पूछें कि ससुराल जाओगी तो भी हाँ करती थी, और पीहर जाओगी तो भी हाँ करती थी, सदा सुखी रहती थी, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता था। ऐसे जो कुछ है ना है वस्तु के स्वरूप में, वो हमें स्वीकृत है, ना करना भूल जा। जो कुछ निश्चित है, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है,
वो सच्ची है, ऐसे इस क्रम को समझ कर हम वास्तविक उसका नाम समाधि है। अभी तो 5 दिन और बाकी है ना, बहुत माल निकलेगा इस समाधि में, इनके ही आगे के छंदों में निकलेगा, तो उसके बाद कहाँ से बताना है अपन को। रोला शतक में 49 रोला शतक है ना, एक शतक इसमें रोला शतक है, इसी में है ना, किस किताब में, इसमें सप्तशतक में, सप्तशतक में है, तो उसमें 75वें छंद से और 100वें छंद तक मुझे बताना है आपको यही बातें, बहुत मार्मिक है, बहुत आनंददायक है ना। इस तरह एक दफे आप वो छंद और ये पढ़ो, किताब ले जाओ, किताब आओ समझना अच्छे ले जाओ और वापस नहीं देना, क्योंकि घर में रखना तो हमेशा पढ़ोगे ना, इसके लिए कह रहा हूँ, अपना माल बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, माल तो ज़्यादा लाया ही नहीं हूँ। तुम लोग तो इतने हो कि 15,000-20,000 लोग हो, किताबें तो 500 आई होंगी, कहाँ किसको मिलने वाली हैं। लेकिन ये चीज़ निरंतर, देखो मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो रोजाना 3 बार एक का पाठ करता हूँ 5 बजे, कोई अपना एक बार मेरे पास वो है फोन, उसे लगा देता हूँ और चालू रहता है जी बराबर रोजाना। ये रोजाना पढ़ने की चीज़ें हैं, अकेली एक नहीं, सब कविताएँ सारे, चाहे कृम निमित्त प्रयाग वाला हो चाहे कोई भी हो, इसे तुम निरंतर पढ़ो तो उसका आनंद अलग है, और ये संसार समुद्र से पार होने का रास्ता है। आप सब संसार समुद्र से शीघ्र पार हों, इस मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करता हूँ।